दोस्तों, बकरी एक पालतू जानवर है जिसका उपयोग मानव सदियों से करता आ रहा है। बकरी का पालन मुख्यतः दूध के लिए किया जाता है और मांस के लिए बकरा पालन एक बड़ा व्यवसाय है। भारत के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर बकरियों को पाला जाता है और ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। इस दुनिया में इनकी लगभग 300 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें इनका रंग अलग अलग होता है, जो कि सफेद, काला, भूरा, लाल रंगों में होता है। इनका दूध पौष्टिक होने के कारण बच्चों के लिए गुणकारी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बकरी का जन्म कैसे होता है और ये कितने बच्चे देती है और ये बच्चे कितने दिनों में बड़े हो जाते हैं? मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा बच्चे देने की अवस्था में आ जाती है और इस दौरान ये अपना बच्चा देने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करती है। तो जैसे ही 5 से 6 महीनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे देना शुरू करती है और ये मादा एक बार में 2 से 3 बच्चे दे देती है। इस समय ये बच्चे बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं, जिसके बाद ये मादा इन बच्चों की पूरी देखभाल और इन्हें दूध पिलाती है। थोड़ी ही देर बाद ये बच्चे धीरे धीरे चलना भी सीख जाते हैं और इस तरह ये बच्चे 15 दिनों तक अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। तो लगभग 20 दिनों का समय बीत जाने के बाद ये धीरे धीरे मुलायम घास पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि इस वीडियो को आप अभी लाइक करो, नहीं तो आप भूल जाओगे, तुरंत लाइक करो। जिसके दौरान इनके शरीर के अंग धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं और ये लगभग 9 महीनों में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर से इनका ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल लगभग 10 से 15 वर्षों का होता है, लेकिन 1 से 3 साल के होने पर मांस के लिए इनका उपयोग कर लिया जाता है। और आपको बता दूं कि भारत में बकरी पालन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है, खासकर मांस के लिए बकरे का पालन किया जाता है। इसे पालने के लिए विस्तृत जगह होनी चाहिए, जिसे बाड़ा भी कहते हैं। यह एक शांत स्वभाव का जानवर है। और अगर बात करें इनके भोजन की, तो ये अपने भोजन में घास, पत्तियां, भूसा और अनाज खाना पसंद करते हैं। यह एक शाकाहारी जानवर है और इसके दूध का सेवन हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसके दूध में काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, साथ ही साथ कुछ मात्रा में मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। और अगर आपके शरीर में सूजन है, तो बकरी के दूध का सेवन करना फायदेमंद होता है। आपको बता दूं कि ये बकरियां पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाती हैं और ये हमेशा समूह में रहना पसंद करती हैं। इनके शरीर पर घने बाल होते हैं, जो कि इन्हें सर्दियों में गर्म रखते हैं, और इनका वजन भी लगभग 18 से 150 किलोग्राम तक होता है। और इनके समूह में नर और मादा दोनों के पास सींघें होती हैं। और हंस का जन्म कैसे होता है जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।